देखो सूजी बेसन की बर्फी कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है, खाने में तो पूछो मत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ सूजी बेसन की बर्फी। तो सूजी बेसन की बर्फी बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई रखूंगी और एक छन्नी रखूंगी। यह देखो एक कढ़ाई है, इसी में मैं ये छन्नी रख दूंगी। अब इसी में मैं आधी कटोरी सूजी है बारीक वाली, इसी में मैं डाल दूंगी। अब इसी में मैं दो कटोरी बेसन डालूंगी। अब इसी में मैं एक कटोरी फिर से रख देती हूँ, वही कटोरी है जो सूजी मैं ली हूँ, वही कटोरी है। इसको मैं बेसन से भर दूंगी। यह देखो एक कटोरी है, एक कटोरी और मैं बेसन लूंगी इसी से नाप के। ये देखो दो कटोरी मैं ले ली, दो कटोरी मैं बेसन ली हूँ, आधी कटोरी मैं सूजी ली हूँ। अब इसको मैं अच्छे से छान दूंगी। छान इसलिए दूंगी कि जो इसमें गुलठियां दिख रही है ना, ये टूट जाएगी। यह देखो थोड़ी सी निकली है तो ये भी बेसन ही, लेकिन ये झरी नहीं है, तो इसको मैं फेंक दूंगी। जो कटोरी से मैं सूजी ली हूँ वही कटोरी से बेसन ली हूँ, और वही कटोरी से मैं एक कटोरी में थोड़ा सा कम घी ली हूँ, तो ये घी के भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये पूरा घी नहीं डालूंगी, लेकिन थोड़ी सी मैं बचा के रखूंगी। देखो 2 चम्मच मैं डाल दी हूँ, 1 चम्मच अभी पड़ी है, तो 2 चम्मच ये जो डाली हूँ ये घी पिघली नहीं है, जमी है, तो 2 चम्मच के जगह पर ये आधी कटोरी से भी ज्यादा हो जाएगी। अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ। देखो गैस जला दी हूँ, कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ। गैस अभी मैं तेज करके रखी हूँ, थोड़ी देर मैं तेज रखूंगी, फिर मैं बिल्कुल धीमी कर दूंगी। अब इसको मैं अच्छे से मिलाते रहूंगी। तेज इसलिए करके रखी हूँ कि कढ़ाई भी अभी मेरा गर्म नहीं हुई है, यही चक्कर में अभी थोड़ी सी मैं तेज करके रखी हूँ। थोड़ा सा गर्म हो जाएगी फिर मैं धीमी कर दूंगी। ये जो बेसन सूजी है वो धीमी गैस पर ही भूंजी जाएगी। मैं ये छोलनी को निकाल दी हूँ, मैं ये लकड़ी वाला छोलनी ले ली हूँ। देखो कढ़ाई गर्म हो गई है, गैस को अब धीमी कर देती हूँ। अब इसी प्रकार धीमी गैस में इसको भूंजूंगी। देखो इसी प्रकार इसको जो गुलठियां दिख रही है ये दबा दबा के भूंजते रहूंगी। ये देखने में लग रही है कि इसमें घी नहीं है, लेकिन थोड़ा देर भूंज लूंगी तो ये अपने आप घी छोड़ेगी, और कम पड़ेगी तो जो मैं बचा के रखी हूँ वो भी डाल दूंगी। देखो जो मेरा घी बची है वो सारा घी मैं इसमें डाल देती हूँ। और उसी प्रकार अभी धीमी गैस में ही भूंजूंगी। दो कटोरी में बेसन ली, आधी कटोरी में सूजी ली, और एक कटोरी से थोड़ा सा कम मैं घी ली हूँ। इसी प्रकार अभी इसको भूंजते रहूंगी। जब तक इसमें थोड़ा सा कलर नहीं आएगी गोल्डन, तब तक मैं इसी प्रकार मैं भूंजते रहूंगी। देखो इसमें थोड़ा थोड़ा कलर भी आ गई है, और जो घी मैं डाली थी वो पूरा घी भी छोड़ दी है, तो अभी ये हुई नहीं है। अभी थोड़ी देर और मैं इसको भूंजूंगी। ये बर्फी बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, जो भी मेहनत लगती है ये भूंजने में ही लगती है, क्योंकि जब ये भूंज जाएगी तो फिर इसमें कोई टाइम नहीं लगेगी, और ये धीमी गैस पर ही भूंजी जाती है। अगर धीमी गैस में नहीं भूंजोगे
तो ऊपर से गोल्डन हो जाएगी, नीचे से कच्चे रहेगी, फिर वो बर्फी में स्वाद नहीं रहेगी। ये लिए धीमी गैस में इसको गोल्डन तक मैं भूनूंगी। जैसे मैं इसमें एक कटोरी में थोड़ा सा कम घी डाली हूँ, तो आप आधा घी आधा रिफाइंड तेल मिक्स करके भी डालोगे तो ये बर्फी बहुत अच्छी बनेगी। ऐसा नहीं है कि पूरा घी ही डालना जरूरी रहती है, वो तो हमारे घर की घी है, ये लिए सारा मैं घी में ही बना लेती हूँ। देखो कितनी सुंदर गोल्डन कलर आ गई है। अब मैं इसी टाइम में एक चम्मच इलायची पाउडर डालूंगी, ये छोटी चम्मच है, एक चम्मच में इलायची पाउडर डाल देती हूँ। इतनी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि बेसन के पहचान यही होती है, जब भून जाती है तो बहुत अच्छा खुशबू आती है। अब जो मैं इलायची डाली हूँ इसको अच्छे से मिला देती हूँ। देखो अच्छे से इलायची को मैं मिला दी हूँ। अभी इसमें दो चम्मच मैं दूध डालूंगी, अगर आप नहीं भी डालोगे तो अच्छा ही बर्फी बनेगी, पर दो चम्मच दूध डालती हूँ ये लिए कि थोड़ा और दानेदार हो जाएगी। तो एक चम्मच मैं अभी डाल देती हूँ और इसको मैं मिलाऊंगी। ये जो फेन उठी है ये फेन खत्म हो जाएगी तो फिर से मैं एक चम्मच डालूंगी। देखो फेन खत्म हो गई है, फिर से मैं एक चम्मच डालूंगी। देखो दूध डालने से कितनी सुंदर इसमें झाग होती है, ये झाग खत्म हो जाएगी। फिर मैं अब चीनी डालूंगी, दो चम्मच से ज्यादा दूध नहीं डालूंगी। देखो ये शीशी में मैं पीस के चीनी रखी हूँ, अब इसको मैं एक कटोरी में डाल लेती हूँ। तो एक कटोरी में ये चीनी पीसी थी, पर इतना नहीं डालूंगी, देखो मैं आपको दिखा के ही डालूंगी। देखो एक कटोरी से थोड़ा सा कम ये चीनी है, पर एक कटोरी से थोड़ा सा कम देखने में लग रही है, पर चीनी इसमें आधी कटोरी से भी कम है। पीसने के बाद थोड़ा वो चीनी ज्यादा हो जाती है, ये लिए आपको एक कटोरी से थोड़ा सा कम दिख रही है। मैं पूरे एक कटोरी चीनी पीसी हूँ, तो आधा मैं इसमें डाली हूँ और आधा मेरा ये बोतल में ही रखा है, तो मैं इतना ये चीनी डाल देती हूँ। अगर आपको मीठा पसंद है तो एक कटोरी जो चीनी पीसोगे वो पूरे डाल दो। अब इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी। ऐसे मैं सारे मिठाई बनाती हूँ तो थोड़ा चीनी कम ही डालती हूँ। अच्छे से मिला दूंगी, फिर बर्फी जमाऊंगी। देखो ये लकड़ी वाला छोलनी हटा देती हूँ, अब मैं प्लास्टिक वाला लगाऊंगी, क्योंकि इससे खखोरने में अच्छे से नहीं बनती है, तो ये प्लास्टिक वाले से खखोरूंगी। इसी प्रकार मैं चीनी डालने के बाद मिला दूंगी। देखो चीनी डालने के बाद मैं 5 मिनट तक धीमी गैस पर इसको मिलाई हूँ, ये चीनी भी पक गई है, ये बर्फी जमाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ, और बंद करने के बाद भी मैं थोड़ी देर चलाऊंगी। अब मैं कढ़ाई को नीचे कर लेती हूँ। देखो कढ़ाई को मैं नीचे उतार ली हूँ। अब बर्फी जमाने के लिए एक केक टिन ली हूँ, तो केक टिन के नीचे में मैं घी लगा दी थी, उसके ऊपर मैं बटर पेपर लगा दी हूँ, बटर पेपर के ऊपर भी मैं घी लगाई हूँ। अब इसी में मैं बर्फी जमाऊंगी, तो पहले मैं इसमें थोड़ा सा काजू बादाम और पिस्ता डाल देती हूँ, उसके बाद मैं बर्फी जमाऊंगी। ये देखो ये काजू है, ये बादाम है, ये पिस्ता है, तो 2 काजू ली हूँ, 2 बादाम ली हूँ, ये 5-6 पिस्ता है, तो इसको मैं बारीक कतर ली हूँ, तो इसको मैं अभी डाल देती हूँ
जिसमें मैं बर्फी जमाऊंगी। एक काजू, बादाम, पिस्ता जो मैं डाल रही हूँ, कोई जरूरी नहीं है। बेसन के बर्फी ऐसे भी अच्छी लगती है खाने में। ये लिए डाल दी हूँ कि देखने में थोड़ा सुंदर लगेगी। देखो सारा मैं डाल दी हूँ तीनों चीज। अब इसी में जो ये बेसन है इसको मैं थोड़ी थोड़ी किनारी किनारी पहले रखूंगी। मैं केक टिन में जमा रही हूँ। आप थाली में भी जमा सकते हो, प्लेट में भी जमा सकते हो, जो प्लास्टिक के आती है डब्बा उसमें भी जमा सकते हो। देखो मैं सारा डाल दी हूँ। तो अगर मोटा रखनी है तो थोड़ा इसको किनारी कर देने, पतला रखना है तो इसी में फैला दो पूरे में। तो हम थोड़ी सी मोटी करूंगी। अब इसको मैं अच्छे से चिकना कर दूंगी। देखो मैं चिकना कर दी हूँ। अब इसको मैं 2 घंटे अढ़ाई घंटे के लिए मैं बाहर में ही रखूंगी, फ्रिज में नहीं रखूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखो 2 घंटे अढ़ाई घंटे हो गई है और ये अच्छे से जम गई है। तब इसको मैं पहले चाकू से हल्का हल्का छोड़ाऊंगी, फिर मैं इसको पलटूंगी। देखो मैं एक चाकू ले ली हूँ, इसी से थोड़ा थोड़ा एक किनारी छोड़ाऊंगी। देखो मैं चारों तरफ किनारी छोड़ा दी हूँ। अब मैं इस पर एक प्लेट रखूंगी। ये प्लेट ले ली हूँ और इस पर मैं पलट दूंगी। अब मैं इसको हाथ से थपथपाऊंगी। यह देखो कितनी सुंदर से निकल गई है। अब ये जो बटर पेपर है ये निकाल देती हूँ। अब मैं फिर से एक प्लेट ली हूँ और इसको ढक दूंगी। ढकने के बाद फिर से मैं इसको पलट दूंगी। अब इसको मैं काटूंगी। तो देखो काटने के लिए पहले मैं निशान डाल देती हूँ। अब मैं काटूंगी। देखो मैं काट दी हूँ। ये जो किनारी थी वो मैं अलग से काट दी हूँ। अब इसको फिर से मैं इस प्रकार से घुमा दूंगी और फिर से मैं इसी तरीके से काटूंगी। देखो मैं काट ली हूँ। अब इसको मैं साइड में कर देती हूँ और दूसरे प्लेट में रखूंगी। देखो मैं एक प्लेट रख ली हूँ। अब इसी में मैं ये जो बर्फी है इसी में डालूंगी। देखो कितनी सुंदर ये बनी है। देखो मैं सारे प्लेट में निकाल ली हूँ। देखो सूजी बेसन की बर्फी कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। खाने में तो पूछो मत, बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगी है, बहुत जल्दी बन गई है। 2 कटोरी बेसन से इतना सारा बर्फी बनी है। और देखो घर के चीज तो अलग ही होती है। अगर खरीद के लाने के बाद कुछ पता नहीं चलती है कि ये कितने दिन की है, क्या चीज से बनाई है, लेकिन अपना घर में बनाओ। थोड़ी सा ही बनाओ लेकिन अपना घर में बना के देखो
अच्छी हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, क्योंकि कैसे भी बन जाएगा, बच्चे खा ही लेंगे। लेकिन ट्राई करने में क्या जाती है, तो कोई कोई चीज ऐसा होती है कि हम भी बनाते हैं तो ठीक बनती है, कभी खराब भी हो जाती है। तो खराब हो जाती है तो मैं आप लोग से नहीं दिखाती हूँ, जब अच्छी बनती है तो मैं आप लोग से दिखाती हूँ। तो ये देखो सूजी बेसन की बर्फी कितनी सुंदर बनी है। अगर आप भी बनाते हो तो एक बार इसी तरीके से बना के देखो, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत स्वाद बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाएगी। अगर आपको सूजी बेसन की बर्फी अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना। अब मैं एक बर्फी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। देखो मैं एक बर्फी ली हूँ और इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बिल्कुल एकदम नरम बनी है।